पैरेलल साइड का सम और इनटू हाई। डिवीजन के लिए है ना, तो वन अपॉन टू, तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक तो 25 और एक 20 और इनटू हाइट कितनी है 45 60 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
कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? सेकंड। इसमें एक से मिलेगा सेकंड, बी ऑप्शन। इसमें एक्स वाई प्लस के, इसमें माइनस एक्स वाई, इसमें दोनों ही माइनस, और इसमें एक्स प्लस का माइनस का ये है 1 3 6 8 और बी बराबर है 2 4 6 9 सही है। ए माइनस बी, हाँ ए माइनस बी क्या होगा बताओ? मुझे समझ नहीं आया, मुझे सही जाओ। 169 कुछ इसमें कुछ दिया है कि ए माइनस बी, हाँ ए माइनस बी, तो ए में से कौन कौन से बच रहे हैं? ए में से माइनस बी, इसमें कौन कौन से बच रहे हैं? तो ए में नहीं है, इसमें कौन कौन सा है? कुछ 6 है, 6 नंबर आए थे, हाँ, और कुछ नहीं है। तो क्या बच गया? कर रहा हूँ मैं 138 कर तो दिया है ही नहीं। इसमें ए बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। और अगर सुनो ये बात ये लिखी थी बी माइनस ए, तब हेलो रे ये लिखो था बी माइनस ए, तो देखो इधर ये दोनों में रे क्या बच गया? 249 चलिए 180 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी? ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसको एक काम करते कर लेते हैं इसको, हाँ ये 2 × 9 यानी देखो इधर 18 × 10 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अच्छा ये हो गया 2 × यानी कि 3 × 3 और 2 × 5 तो ये पेयर बन गया, ये भी बन गया, क्या बच गया? किसका पेयर बनाना है? 5 का, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से, 5 से करना पड़ेगा, 5 से। और डिवाइड करना हो तो अरे क्यूब रूट नहीं है तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट में 5 से रिलीज को ये 5 कट गया हमें, बस ये तो है। अब बस ये बाकी के जोड़े बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं क्या? हाँ ये स्क्वायर आएगा तो 600 रुपए पर 20% का डिस्काउंट है यार। तो ये कट गया, कितना आ गया? 120 रुपए का। तो यानी कि याद है वो इधर ये हो गया मेरे पास में एमपी, ये डिस्काउंट, ये होगी सेलिंग प्राइस 100 रुपए की चीज पर 20 रुपए का डिस्काउंट, 80 रुपए मिलेंगे ना। अच्छा कितने की चीज है ये? 600 रुपए की, क्या कितना गुणा है? 6 × 6 से करेंगे इसको, 6 से करेंगे 600 रुपए की चीज है, 120 का डिस्काउंट है, और 480 रुपए भी बेच रहा हूँ। इफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल जो है 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कैसे करेंगे? लोन फार्मूला, और 5 + 5 + 6 ये क्या है? 7 सेंटीमीटर अपॉन 216 अपॉन 2 कट के आ गया 8। अब लोन फार्मूला में क्या लिखेंगे? 8 8 8 − 5 8 - 5 8 - 6 ये बढ़ गया मेरे पास में 8 × 3 ये 3 और ये आ गया 2। अब इसमें लगा 16 × 9 ये 16 × 9 ये आ गया 4 ये क्या बना 3 12 सेंटीमीटर जोड़े बनाइए ना ये आया भी है कौन से काटना ये 50 इधर से कॉर्नर जो है और ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 तो ये कह रहा है सेक्टर पार्क ई साइड जो है एट द कॉर्नर द पार्क देयर फ्लोर बेड इन द फ्रॉम द कॉर्नर द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्क
रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, ये तो बच गया ना यहाँ सर, हाँ। सर ये पूरे एक एक सर्कल के उससे हाँ, ये पूरा एक रहेगा तो ये चौथा पार्ट है सर्कल का, तो ये एक दो तीन चार ये पूरा सर्कल बन जाएगा ना, तो इसके स्क्वायर में से क्या करेंगे यानी स्क्वायर के एरिया में से किसका मतलब करेंगे, एक सर्कल का एरिया क्या कर देंगे माइनस, तो देखो ये हो गया 2500 माइनस 22 अपॉन 7 इनटू 7 इनटू 7 इट इज क्या सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये 7 से 7 कट गया, ये 2500 माइनस ये क्या बना 154 यस सर, तो ये आ गया 6 ये 4 ये 5 चले गए, ये ऑप्शन डी फॉर बॉल, डी फॉर बॉल हां द मीन ऑफ ऑल जो है फैक्टर ऑफ 12 सर, सर लिख के सर बीच वाला पहले तो 12 के अरे हां क्या 12 के फैक्टर लिख रहे हैं पॉइंट में आएगा, तो सर 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 12 ये है हाँ, आप इधर दे बराबर गैप है इनमें, बीच वाले में गए दो सब का प्लस करेंगे, दो बचेंगे इन सब का प्लस करेंगे और कितने में है ये देखो 1 2 3 4 5 6 छह आगे तो ये हो गया 10 ठीक है, अच्छा ये 22 22 के बाद में ये 5 22 और 6 22 और 6 28 हो गया, अच्छा ये कट गया कितनी बार 14 बार, ये कट गया 3 बार, ये गया 4 सही 2/3 अरे यार मैं यही कर रहा था पर मैंने नहीं किया, इसमें प्राइस का ये ऑप्शन, तो देखो स्क्वायर का जो है अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ ये, और अगर सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया जो है सरफेस एरिया होता है 4πr² ये, तो कह रहा वॉल्यूम को डिवाइड करना है किससे करना है सरफेस एरिया से, तो ये 4/3 πr³ और इसको डिवाइड करेंगे 4πr², तो कितना आएगा रिजल्ट आएगा 2 तो ये 3 का आएगा और नीचे लिख गया ये 3 नीचे आएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये एक एक आर बच गया, तो यहाँ से आर बराबर क्या बच गया r/3 = 2 आर बराबर क्या गया 6 आ गया ठीक है ना, अच्छा इसने क्या पूछा है द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर की रेडियस कितनी होगी 6 हो गई, ये है 2^10 सर बहुत इजी है सर प्लस एक्स सर पावर है 4 की पावर है 3x - 5 और 2^4x + 1 और इनटू 2^3x - 1 हाँ क्या कर रहे हैं वो सर, फोर को सर 2^ ये है, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 2^ ये तो देखो अब ये 2^10 + x और इनटू 2^6x - 10 यहाँ तक सही है क्या, तो ये ब्रैकेट उधर मल्टीप्लाई होगी, अच्छा ये है 2^4x + 1 इंटू 2^3x - 1 पहले ऊपर वाला सोल्व कर लें क्या ऐड कर लें, तो देखो ये 2^10 + x + 6x - 10 इतने नीचे करेंगे 4x + 1 और +3x - 1 यहाँ सही है, अच्छा ऊपर क्या बन गया 2^ कितनी होगी ये तो कट गया ना तो 7x हो गया, चल एक साथ हो गया, अच्छा ये भी कट गया 2^ क्या होगी ये 7x अवश्य मान लो चाहिए कट गया सेम नंबर है ऐसे मान लो चाहिए 2^7x - 7x = 2^0 = 1 आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर ए ऑप्शन, के ऑप्शन ये यस ये इतना ही है, ये कह रहा है कि पहले इसके फैक्टरी करो कि x²x - 42 हाँ इसका ये फैक्टर है या नहीं, तो बैठना चाहिए सर डिवाइड कर देंगे हाँ बस, या फिर देखो एक काम करो इसमें x की वैल्यू रख दो आप, अगर ये जीरो हो रहा है तो है हाँ। दो तरीके हैं इधर ये कह रहा है x + 6 इसका अगर फैक्टर है ना
तो अब एक काम करो, या तो इसको डिवाइड करो आप, डिवाइड अगर पूरा पूरा हो जाए ना, ये वैसे नहीं हो सकता। हाँ फैक्टराइज करके देख लो दोनों में, उसमें ये दिख जाए तो हो गया, हो रहा है ये तो। हाँ और नहीं तो एक काम करो, यहाँ से एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो एक्स बराबर क्या गया माइनस छह, इसमें आप माइनस छह रख के देखो एक्स की जगह पर, अगर ये जीरो हो जाए ना ये फैक्टर है, तो पहले ये रख के देखते हैं माइनस सिक्स का होल स्क्वायर और ये माइनस सिक्स और ये 42, ये क्या बना 36, ये प्लस हो गया प्लस 6 माइनस 42, दोनों क्या बन गए 7, 42 क्या 42 माइनस 42 बराबर क्या गया फैक्टर है। दूसरा अब ये कहना था जैसे कि अपन इनका जो मल्टीप्लाई करें तो 7 इंटू 6 को करते हैं 42 और 7 और 6 को करते हैं क्या करना माइनस का बन जाएगा, ये हो गया मतलब x माइनस 7 और x प्लस 6 और ये देखो इसमें है नहीं है, बस प्लस का फैक्टर है और नहीं डिवाइड करके देख लो ये कुछ भी मान लेते, चलो ये मान लेते पेंटागोन ही मान लेते, ठीक है ना। ये कह रहा है और एक सर्कल के अंदर है, ये एक सर्कल में, ठीक है ना। अच्छा अब ये क्या कर रहा है, ये इसका सेंटर है तो इसको भी मिलाया इसे जैसे, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है सेम मतलब यहाँ पर 30 डिग्री का बना रहा है, यहाँ भी 30 और कितना बढ़ रहा है ये सारा, ये आपका मतलब कम से कम 360 बढ़ना चाहिए, 360 बढ़ना चाहिए, तो अपनी अपना कोई बड़ा होगा तो थोड़ी थोड़ी कि यही हो कि भाई इनका हमें पता है कि सेंटर पर जितने एंगल बनेंगे उनका सम 360 ही बनेगा, तो 30 को किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कि 360 बन जाएगा, 12 से क्या, हाँ 12 से करेंगे कितना बनेगा, तो 1 2 3 यानी कितने बनेंगे 12 बनेंगे, तो साइड कितनी होगी, साइड अगणो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बने रहे, तो 5 पहले 5 साइड थी तो 5 ट्रायंगल बने रहे, 5 बने रहे, तो हमें मतलब कितने ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे 12, तो 12 साइड होंगी, और किस में रेखा है ये, किस में रेखा है ये 12 नहीं है 12 है नहीं है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 1 2 इधर इधर है, हां 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 इधर है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालनी है इसमें बस ये फिगर रह गया बाकी और कुछ नहीं दिया, और ना इसने कोई सेंटर की बात की है, हाँ कैसे आएगा ये सर, ये वाली लाइन जो वाला एंगल उसके बराबर हो जाएगा उधर वाले 45, ये सेम आर्क है क्या, और जाइए यहाँ मिला हुआ बस 49 हो गया, देखा सर तो क्या बोला मैंने, ठीक है पैंतीस ये क्या, ये वाला पूछा है क्या होगा इसका, डबल होगा सर, डबल होगा 70 होगा इसका आधा, ये होता है इसका डबल होगा 70, सही है सी, ये कह रहा है एक नंबर है कोई नंबर, चलो अपन मान लेते हैं अपन एक्स मान लिया, हां अच्छा ये कह रहा है ए नंबर इज फर्स्ट जो है बाय द 5 मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले इसको क्या किया हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 5 एंड मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट बाई 6, उसको मतलब प्रोडक्ट करने के बाद जो आएगा उसे 6, इसको फिर 6 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 30x, ठीक है। अच्छा अगला कह रहा है देन डिवाइड द फाइनल प्रोडक्ट बाई 3,
अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 10 एक्स, ठीक है ना। अच्छा फिर कह रहा है द क्वोशेंट इज ऑब्टेंड, ये क्वोशेंट आ गया हमारे पास। फिर कह रहा है और सबट्रैक्ट सो ऑब्टेंड, ठीक है ना, सबट्रैक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। तो अब इसको ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, एक्स था, इसमें से क्या करेंगे सबट्रैक्ट, इसको माइनस करेंगे ना ओरिजिनल नंबर वो, तो कितना आएगा 36। तो x बराबर क्या आ गया, ये 9x बराबर 36, x बराबर क्या आ गया 36 अपॉन 9 कट गया, x बराबर क्या आ गया 4। और ये काम करो ऑप्शन डालो, 4 को पहले क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 20, 20 को फिर किससे करेंगे 6 से, 160 क्या बनेगा 120 को अब 3 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा 40। अच्छा 40 में से फिर वो नंबर माइनस करेंगे ना, 36 क्या माना था ना, तो क्या आ गया 36, और वो 36 ये बता रहा है ठीक है। अच्छा 36 को भी तो माइनस कर सकते हो, 4 तो आएगा ही सही, 40 में से 36 माइनस कर दो। अब वो a की क्यूब r प्लस b की क्यूब गारंटी होती है, सर a प्लस b a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab है, माइनस ab होता है, माइनस ab होता है। अच्छा मैंने पहले वीडियो में इसमें इसमें भी लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर, वही की बात है ब्रैकेट से कही तो हां, लेकिन ये माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस का है वो भी बस। हां इसमें स्क्वायर वैल्यू भी लिखाई थी आपने, वो रखोगे पीछे 2560 सब दूर में चल रहा है। हां पहले 2 से कितने गया 1 2 8 0, ठीक है 2 से गया 6 4 0, फिर 2 से गया स्टार्ट कितना है 3 2 0 हो गया, और यहां मैं लिख लेता हूं 3 2 0 तो ले जाना 320 ये होना 3 2 0, ये 1 60 1 60 40 2 2 20 10 2 10 5 5 1 तो 3 3 कितने बनाएंगे ना 2 5 25 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